हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर हीट, विच इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी। ठीक है जी, तो हीट चैप्टर के हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कम्पेयर टू अ वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग। मार्बल टाइल ज़्यादा ठंडी होगी एज़ कम्पेयर टू वुडन टाइल, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्यों होगा भाई? कि जो मार्बल है दैट वुड बी बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स मोर हीट देन वुडन टाइल, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुडन। तो बेटर कंडक्टर मार्बल टाइल जो है बेटर कंडक्टर है इज कम्पेयर टू वुडन टाइल। तो ए आंसर होगा इसका। सेकेंड है, अ बेगर रैप्ड हिमसेल्फ with a few layers of newspaper on a cold winter night. This helped him to keep himself warm because air trapped between the layer of newspaper is a bad conductor of heat. ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, कि जो लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप थी उसने उसको वार्म रखा, और एयर तो बैड कंडक्टर है ही। पहेली एंड बूजो मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर। पहेली फाउंड हर टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बूजो रिकॉर्डेड 37 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, तो दोनों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, बस एक ने फ़ारेनहाइट में मेजर करा है, एक ने डिग्री सेल्सियस में मेजर करा है। बूजो हैज़ 3 थर्मोमीटर एज शोन इन द फिगर। ही वॉन्ट्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हिज बॉडी एंड दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो थर्मामीटर जो 1 थर्मामीटर है वो और 3, क्योंकि 1 भी हमारा क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, और 3rd वाला भी क्लिनिकल है बट डिजिटल फॉर्म में है। तो 1 और 3 यूज़ हो सकते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और बॉइलिंग वाटर के लिए नंबर 2। तो इसका आंसर होगा ए, थर्मोमीटर 1 और 3 फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर एंड 2 फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, कि 4 अरेंजमेंट्स दे रखे हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आइस इन अ बीकर विद लेबोरेटरी थर्मोमीटर। विच वन ऑफ देम शोज द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर सही सही एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है हमने टेम्परेचर की को, तो कौन से सही है? तो भाई सबसे पहले वाली सही है, लास्ट वाले में टिल्टेड हो रहा है। ठीक है, सी वाले में इसने बिल्कुल ही पानी के भी ऊपर निकाल रखा है, बी वाले में नीचे टच करा रखा है। तो ए वाली सही है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए उसका जो बल्ब है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ही, कि आप अगर टेम्परेचर मेजर करें तो कौन से तरीके से मेजर करना चाहिए। तो ये भी ए है, क्योंकि हमें आंखों के लेवल पे रखना चाहिए टेम्परेचर को, जो हमारा थर्मोमीटर है उसको। तो यहाँ पे भी सी होगा। अब डी वाले में भी आंखों के सामने है, बट यहाँ पे बल्ब ही साइड में निकला हुआ है, तो मतलब काफ़ी उधर चला गया। तो ए सही है। अब आता है क्वेश्चन 7, शोज़ द रीडिंग ऑन 4 डिफरेंट थर्मोमीटर, इंडिकेट विच ऑफ देम शोज़ द नॉर्मल टेम्परेचर रीडिंग। तो भाई देखो, यहाँ पे 37 डिग्री जहाँ पे होगा वो नॉर्मल है, तो सी वाले में 37 पे रुका हुआ है, बाकी सब में ज़्यादा है और बी में कम है, तो सी इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजली कवर देम विच जूट सैक्स। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि भाई उसकी जूट सैक जो है बैड कंडक्टर है हीट के, और ताकि उसकी जो हीट है वो बाहर ना जाए और वो ज़्यादा टाइम तक रहे उस फॉर्म में, मेल्ट ना हो। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर ए इज केप्ट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द साइड, और बी जो है 7 सेंटीमीटर अबव। तो विच ऑफ़ द थर्मामीटर ए और बी विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर। तो हमेशा हमने एक्टिविटी में भी करा था कि जो इसके ऊपर है वहाँ पे कन्वेक्शन से हीट गर्म हो रही है, एयर गर्म हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बी का टेम्परेचर पहले ज़्यादा राइज होगा। टू कीप हर सूप वॉर्म पहली रैप द कंटेनर इन विच इट वॉज केप्ट इन वूलन क्लोथ। तो उसने गर्म रखने के लिए वुलन क्लोथ में अपने कंटेनर को रख दिया वार्म रैप करके।
तो क्या सेम मेथड अप्लाई होता है कोल्ड ड्रिंक को भी? जी हाँ बिल्कुल, ताकि उसकी जो हीट बाहर ट्रेवल ना करे या बाहर से वो हीट गेन ना करे, तो उसके लिए भी सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इन मरकरी थर्मोमीटर द लेवल ऑफ मरकरी राइजेज व्हेन द बल्ब कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ हॉट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर राइज इन लेवल ऑफ मरकरी? कि भाई मरकरी को जब भी हीट करा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपैंड होगा, और जब एक्सपैंड होगा तो वो राइज करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है मरकरी की कि जब वो हीट करेगा तो वो एक्सपैंड होगा, और जब एक्सपैंड होगा तो वो राइज करेगा इन द कैपिलरी, जिससे टेम्परेचर उसका हम मेजर कर सकते हैं। अ सर्कुलर मेटल लूप इज हीटेड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर, इन विच डायरेक्शन वुड द हीट फ्लो इन द लूप? दोनों डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी, आर की तरफ भी जाएगी भाई और पी की तरफ भी जाएगी। सिंपल सा फंडा है। इन विच ऑर्डर द पिन एट पॉइंट पी क्यू आर फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ एक्स? तो वो कौन सा मतलब जो वैक्स के जो पॉइंट हैं वो पहले फॉल करेंगे, तो पी और आर तो क्योंकि इक्वी डिस्टेंस हैं तो वो एक साथ पहले फॉल करेंगे और हीट दोनों तरफ इक्वली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उधर ज़्यादा जाएगी या उधर कम जाएगी, लेकिन क्यू जो है दूर है तो क्यू बाद में करेगा, तो पहले पी और आर फॉल करेंगे। ओ तो करेगा ही करेगा सबसे पहले, अगर ओ पे लगा रखा है ठीक है, लेकिन ओ इज़ द ओरिजिनल पॉइंट और क्यू सबसे एंड में, और पी और आर सेम टाइम पे। इन द अरेंजमेंट ए एंड बी शोन इन फिगर 4.7 पिंस पी एंड क्यू आर फिक्स्ड टू अ मेटल लूप एंड एन आयरन रोड विद द हेल्प ऑफ वैक्स। तो यहाँ पे देखो अब देखो इसमें क्योंकि सर्कुलर लिया है तो हीट दोनों तरफ जाएगी और पी एंड क्यू एक ही टाइम पे फॉल करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट रॉड ली हुई है तो कंडक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी, तो पहले पी फॉल करेगा फिर क्यू करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है। फॉर सेटिंग कर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द कर्ड हेल्प इन सेटिंग इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 35 एंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो दही जमाते हैं तो उसमें माइक्रोब्स ऐड होते हैं, पुरानी दही होगी वो एक खट्टा डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं फिर उस दूध के अंदर। बट उसमें कंडीशन क्या होती है कि दूध का जो टेम्परेचर है वो 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, अगर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो दोनों ही कंडीशन में वो जो माइक्रोब्स हैं मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे और दही नहीं जमेगी। ठीक है, तो अगर कम है टेम्परेचर तो क्या करेंगे उसको, उसको वार्म किसी कपड़े में लपेट के रख सकते हैं या वार्म जगह पे रख सकते हैं, सपोज़ ओवन के अंदर रख दो या स्टोव के पास रख दो या बाहर धूप में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर होना चाहिए उसका, वरना नहीं जमेगी दही। क्वेश्चन नंबर 15 है। यू मे हैव नोटिस दैट अ फ्यू शार्प जग्स आर गिवन टू क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर यूजिंग इट, क्योंकि उसके अंदर किंक होता है भाई जो उसको रैपिडली फॉल नहीं करने देता मरकरी को, तो वो उसको वापस से नॉर्मल लाने के लिए उसको झटका दिया जाता है। वाई इज़ इट एडवाइस नॉट टू होल्ड द थर्मोमीटर बाई इट्स बल्ब, क्योंकि अगर आप बल्ब से पकड़ोगे तो आपकी बॉडी हीट जो है उसको अफेक्ट करेगी उसकी रीडिंग को, थर्मोमीटर की रीडिंग को। एट अ कैंप साइट देर आर टेंट्स ऑफ टू शेड्स, वन इज़ मेड ऑफ ब्लैक फाइबर एंड अदर इज़ मेड ऑफ वाइट फाइबर, विच वन यू प्रेफर फॉर रेस्टिंग ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून? समर में तो भाई हम वाइट वाले में ही जाएंगे, क्योंकि लाइट कलर में क्या होता है रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी और एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो वहाँ पे कम हीट होगी। गिव रीज़न ऑफ योर चॉइस, और ड्यूरिंग विंटर हम जो है ब्लैक वाले में जाएंगे, क्योंकि ब्लैक वाला एब्जॉर्ब करेगा हीट और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस इन कोस्टल एरिया इन विच डायरेक्शन शुड द विंड्स प्रेफरेबली फेस, विंडोज़ कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए? भाई विंडोज़ होनी चाहिए टूवर्ड्स फेसिंग द सी, क्योंकि दिन के टाइम में कौन सी हवा चलती है, सी ब्रीज होती है जो विच कम्स फ्रॉम द आपका सी। अब ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन इन फिगर दिस, वाटर इज बीइंग बॉइल्ड इन अ पैन ऑफ वाइड बेस, तो दो पॉइंट हैं पी और टी, विच पोजिशन विल फील वार्मर? हम पहले भी कर चुके हैं ये कि ऊपर ज़्यादा हीट होगी क्योंकि कन्वेक्शन हो रहा है वहाँ पे, एंड साइड में सिर्फ रेडिएशन हो रही है, तो
फर्स्ट में हमारा जो है पी विल फुलफिल वार्मर फिल इन द बॉक्सेस पी एंड टी टू इंडिकेट द मोड ऑफ फ्लो ऑफ हीट. तो पी में कन्वेक्शन होगी और टी में रेडिएशन होगी. ये अगेन हमारा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया. यहाँ पे रोड है, उधर सर्कुलर फॉर्म में ली है. तो इसमें क्या है, वन पिन इज अटैच टू ईच वायर विद द हेल्प ऑफ एक्स. विच पिन विल फॉल फर्स्ट. तो कौन सी पिन जो है पहले फॉल करेगी यहाँ पे, पी वाली या सी पे. ठीक है, अब क्योंकि सर्कल वाले फॉर्म में हमारी जो है डिस्टेंस ज़्यादा हो गई. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट वायर है तो पी वाली जो पिन है वो फॉल पहले करेगी देन सी. ठीक है जी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, हीट को सी तक पहुँचने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है रेदर देन पी तक पहुँचने में. तो ठीक है जी, हमने एन सी आर टी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन कर लिए हैं ऑफ द चैप्टर हीट और उसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं. तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. आपने चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है एन सी आर टी और एन सी आर टी एग्जाम्पलर. बहुत इसमें से आपका पूरा एक तो रिविज़न हो जाती है और कि कौन कौन से पॉइंट्स स्ट्रेस करने वाले हैं वो पता चल जाता है. कि जैसे कन्वेक्शन कंडक्शन और रेडिएशन वाला है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और